हमेशा की तरह फिर एक बार सूखा। हमेशा की तरह दुनिया दहकी, फसल तबाह, जानवर गिरने लगे और लोग भूखे मरे। हमेशा की तरह भगवान ने अपने दूत को भेजा। चमकती जूती वाले दूत ने अपने मुंशी को बोला, जाओ पहले अंगूठा लगवा लो। नाम गीता। क्या गीता? गीता। जाओ नाम गीता। लोगों ने अंगूठा लगा दिया कोरे कागजों पर और सब कुछ खो दिया, सब कुछ बेच डाला, कंगाल हो गए, गुलाम हो गए। क्या नाम? हमेशा के लिए। लेकिन दो थे, एक किसान एक बुनकर, जो कि रोष में क्रोध में दुनिया त्यागी और पहुंच गए एक वीरान गांव में, जो एक बार भगवान के शाप से उजड़ गया। अरे तू है कौन? आदमी है, औरत है? अरे कोई भी हो, हमें क्या? तू जो भी है अब है नहीं। अच्छा किसने मारा? चमकती जूती वाले ने। लेकिन ये भी तो चमकती जूती वाला हो सकता है, मरने के बाद तो सभी एक जैसे दिखते हैं। राम राम महाराज। महाराज जाओ। महाराज पहचाना नहीं? ये बुनकर, मैं किसान। महाराज याद है हमने पानी मांगा था, आपने कहा था पहले अंगूठा लगाओ। इसको जमीन पर क्यों बिठा रखा है? सिंहासन पे बिठाना।
यहाँ बिठाएं, यहाँ आइए महाराज। पानी पिएंगे महाराज? हाँ पीऊंगा। अभी लाया महाराज, जल्दी लाओ। अभी लाया महाराज, पिलाओ। पानी पीने से पहले अंगूठा लगाइएगा महाराज। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं बेचारे के साथ, पिला दे प्यासा है ना। ये जितने चाहे अंगूठे लगवाते थे और हम एक भी नहीं। अंगूठा लगाइए महाराज। अरे तो फिर इनमें और हम में क्या फर्क हुआ, पिला दे बेचारा, बहुत प्यासा है, पिला पिला पिला। बस चल नहला भी दे बेचारे को, पता नहीं कब से नहाया नहीं है। लीजिए महाराज, चमक गए। अच्छा लगा महाराज, ठंड पड़ गई महाराज। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोल नहीं रहे, अभी बोलेंगे, ये देख। बोलना तो पड़ेगा महाराज।